देश T20 वर्ल्ड कप की खुशियां मना रहा है। टीम इंडिया 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप का खिताब घर लाई। अब टीम की इस विजय की गूंज देश की संसद तक पहुंच गई है। 18वीं लोकसभा के विशेष सत्र के 6वें दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन का जिक्र किया और टीम इंडिया को इतिहास रचने की बधाई दी। क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे आपके साथ साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्ट इंडीज में T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने में सफलता प्राप्त की है। इस ऐतिहासिक विजय से पूरे देश में उत्साह और उमंग का संचार हुआ है। इस विजय से हमारे सभी युवाओं तथा सभी खिलाड़ियों को निसंदेह प्रेरणा मिलेगी। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम तथा इसके कप्तान श्री रोहित शर्मा जी को बधाई देता हूं। ये सभा क्रिकेट टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। टीम इंडिया की इस कमाल प्रदर्शन की धमक देश की संसद तक पहुंच गई है। दरअसल 29 जून को सात समंदर पार बारबाडोस की धरती पर भारत ने तिरंगा गाड़ दिया। बारबाडोस की धरती पर भारत ने विश्व चैंपियन का ताज अपने सिर पर सजाया, जिसके बाद से ही लगातार टीम की सफलता की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और सोशल मीडिया में बधाइयों का तांता लग गया है। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।